हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित हैं, यानी यह जो वैकेंसी हैं टीचिंग वैकेंसी से संबंधित हैं, जिसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह वीडियो, आज का वीडियो यानी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिटेल जानकारी के लिए एक वेबसाइट बनाया गया है इस चैनल के द्वारा, और वेबसाइट का नाम है govtjobs4u.org। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपको लिंक मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन जो यह है या नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का आपको लिंक मिलेगा, दोनों लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही पीडीएफ फाइल भी अटैच रहता है, आप चाहें तो उस अटैचमेंट पे क्लिक करके पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, जो अभी मैं नाम बताया हूँ। इसमें वेबसाइट पे पूरे पद के बारे में डिटेल जानकारी के साथ में एडवर्टाइजमेंट भी अटैच रहता है, तो इसलिए वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए हैं, और सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है, सबसे बड़ी बात है क्वालिफिकेशन को लेकर, कि क्वालिफिकेशन सरकारी नौकरी में इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन की डिमांड रहती है कि आधे प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशन से ही बाहर हो जाते हैं। यह जो वैकेंसी है रेगुलर बेसिस यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेगुलर बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। जो पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पद है, और इकोनॉमिक्स विषय जो है इसमें एक पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तीन पद हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स में एससी और एसटी कैटेगरी में दो पद हैं, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के जनरल कैटेगरी में एक पद हैं। इस पद के लिए एप्लीकेशन शुल्क की हम बात करें तो एप्लीकेशन शुल्क में जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 1180 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं, और अदर रिजर्व कैटेगरी में 590 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। एप्लीकेशन शुल्क जो है आपको पे करना है। यह नोटिफिकेशन एक बार और आया था, यानी पहले ही आया था, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, इसलिए यदि आप पहले से अप्लाई किए हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखें। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, और एक बात और बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगा अभी वेबसाइट पर, और वहां से दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो हम बात कर रहे थे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो इकोनॉमिक्स में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में पीएचडी इकोनॉमिक्स विषय में होनी चाहिए। सेकेंड नंबर में मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स 55% अंक के साथ में। यहाँ पे विभिन्न डिटेल जानकारी दी गई है एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है टीचिंग या रिसर्च एकेडमिक या रिसर्च पोजिशन लेवल का, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का यूनिवर्सिटी या कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा 7 पब्लिकेशंस हैं, प्री रिव्यू यूजीसी लिस्टेड जो जनरल्स हैं उसमें से 7 पर जो हैं आर्टिकल्स पब्लिश होनी चाहिए। इसके अलावा 75% क्राइटेरिया जो अपेंडिक्स सेकेंड और टेबल सेकेंड में दी गई है उसको आपको डिटेल जानकारी पढ़ना है। हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स विषय के लिए L10 का पद है, और क्वालिफिकेशन में UGC नॉर्म्स के अनुसार हैं, यानी मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एटलीस्ट 55% अंक के साथ में, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन ए पॉइंट स्केल और फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम दी गई है। और इसमें ग्रेडिंग सिस्टम में हम बात करें तो नेट या सेट या सेलेक्ट या CSIR नेट क्वालिफाई होनी चाहिए या PhD क्वालिफाई होनी चाहिए, वो भी रेगुलेशन 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग क्वालिफाई होनी चाहिए। इस तरह से इसमें PhD या नेट कंपलसरी है इस पद के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं लाइब्रेरियन जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है, यह भी पद है जो टीचिंग में ही आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पद है टीचिंग पोजीशन में ही आवेदन आमंत्रित हैं, और जो पद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है लेकिन टीचर लेवल का है। इस पद के लिए जो है क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में, फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम में हम बात करें तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी, इसके अलावा UGC नेट या सेट या सेलेक्ट या CSIR नेट या सेलेक्ट या MPhil या PhD इन में से कोई भी आपके पास हैं, रेगुलेशंस 2016 और 19 के अकॉर्डिंग आपने PhD किया है या MPhil किया है या नेट क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से यह क्वालिफिकेशन दी गई है।
इसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे कुछ पैरा दी गई है जो रेफरेंस के रूप में इसमें दी गई है। डिटेल जानकारी तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि यह जो वैकेंसी है UGC नॉर्म्स के अनुसार हैं और महाराष्ट्र में यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब मैं आपको डिटेल जानकारी जो बताने वाला था कि यह नोटिफिकेशन मार्च 2023 में आया था, 14 मार्च 2023 को। यदि आप पहले से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको अब फ्रेश अप्लाई करने के रिक्वायर नहीं है। इसमें जो जानकारी दी गई है, इस जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि जो है 2 अक्टूबर 2023 शाम को 6 PM तक है। उसके बाद आपका अप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, शायद सेंड करना है। इस बात को मैं अभी वेबसाइट पर लेकर चलूँगा तो वहाँ पर भी कुछ डिटेल जानकारी दी गई है और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। यह वैकेंसी कहाँ पर आया है इसके बारे में डिटेल जानकारी तो वेबसाइट से ही पता चलेगा। और यह बता दूँ कि यह वैकेंसी जो है महाराष्ट्र में आया है। और दूसरी बात कि जो पहले से आप अप्लाई किए हैं, यानी 14 मार्च 2023 को यह नोटिफिकेशन आया था, यदि आप उसमें कुछ कोई क्वालिफिकेशन या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि फ्रेश अप्लाई करना, यानी पुनः अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं लेकर आया हूँ आपको वेबसाइट पर जहाँ से डिटेल जानकारी मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह वैकेंसी महाराष्ट्र में कहाँ पर आया है, तो गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह वेबसाइट ओपन होने के बाद फैकल्टी रिक्रूटमेंट में आपको आना है। यहाँ पे आते हैं तो 5 अक्टूबर को जो प्रोफेसर PRC का जो पद है उसके लिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2023 तक है। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यह जो पद हैं प्रोफेसर पद के लिए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और 5 अक्टूबर तक अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और यहाँ से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लिंक दी गई है। इस तरह से लाइब्रेरियन के लिए भी सेम इसी प्रोसेस पे आपको आना है और यहीं से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग से पद दी गई है जिसके बारे में मैं नहीं बताया हूँ। AERC के लिए आवेदन आमंत्रित है, यह डिपार्टमेंट का नाम है। तो नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करना है, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर 2023 और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इस वाले लिंक पर क्लिक करना है और अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मैं लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जो प्रोफेसर PRC का जो पद हैं इसमें मैं देखता हूँ कि कौन कौन से पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा हमारा PDF जो फाइल है वो डाउनलोड होगा, थोड़ा सा लगभग 1 मिनट से कम का ही टाइम लगेगा। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का अप्लाई करने के लिए इस वाले लिंक पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल जानकारी दी गई है। इससे पहले कि हमारा ये PDF डाउनलोड हो गया इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, तो देखिए यह जो पद हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। प्रोफेसर का पद है, यह प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, एक पद है प्रोफेसर के लिए। सैलरी भी अच्छी है, यह भी जो पद हैं सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। 1180 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पर दिया गया है। क्वालिफिकेशन जो है UGC नॉर्म्स के अनुसार दी गई है। तो मैं बात कर रहा था कि लाइब्रेरियन के जो फॉर्म फिल करने के लिए, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लिंक है इस पर हम क्लिक करते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन का यहाँ पे नंबरिंग दी गई है, आपको मैं दिखा दूँ। 1, 2, 3 यानी तीनों पद यहीं से अप्लाई करना है इसके अंदर से। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ डिटेल जानकारी क्या दी गई है। तो इस तरह से यह नोटिफिकेशन आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित था। और आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पर मिलती रहे। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसको रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सेलेक्ट करना है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पद आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको लिखना है। इसके बाद लास्ट में जो है आपको GMAIL ID देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर देकर यहाँ पे कैप्चा फिल करके और सबमिशन करना है। इतना तो आप इजी